सेवा भारती गोरक्ष प्रांत की प्रांतीय बैठक प्रांतीय उपाध्यक्ष विष्णु गोयल की अध्यक्षता में एक निजी हॉल में सकुशल संपन्न हुई, जिसके संबंध में सेवा भारतीय गोरक्ष प्रांत के सचिव प्रोफेसर आलोक श्रीवास्तव ने बताया कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो सेवा का कार्य करती है उस पर चर्चा की जा रही है। गोरक्ष प्रांत के सभी 21 जिलों के सदस्य मौजूद हैं। उन्होंने कहा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का निर्माण 1925 में हुआ था, जिसका 2025 में 100 साल पूरा हो जाएगा। 100 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में गोरक्ष प्रांत में 1000 सेवा केंद्र खोलने का लक्ष्य रखा गया है, जिससे ज्यादा से ज्यादा सेवा के कार्य हो सके। इसके अलावा सेवा भारती की पत्रिका सेवा जागृति का विमोचन भी हुआ है, जिससे पत्रिका लोगों के बीच पहुंचे और सेवा भारती क्या कार्य कर रही है सभी लोगों को पता चल सके और लोग प्रेरित होकर सेवा के कार्य में भाग ले सके। इस अवसर पर गोरक्ष प्रांत सेवा प्रमुख रविशंकर, प्रांतीय महामंत्री नरेंद्र देव शुक्ल, मंत्री आलोक श्रीवास्तव सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सेवा भारती गोरक्ष प्रांत के सचिव प्रोफेसर आलोक श्रीवास्तव ने कहा, अभी तक उनको कोई नागरिकता नहीं थी, उनको कोई सुविधा नहीं थी, राजस्व ग्राम भी उनके नहीं थे। अभी जब से योगी जी मुख्यमंत्री पहले बने थे, उसी तरह सबसे पहले घोषणा उन्होंने भट्टानियों के लिए की थी। अब राजस्व ग्राम बनने के कारण बाकी सुविधाएं होनी चालू हुई है, ऐसी सारी स्थिति है। आज भी सेवा की उनको आवश्यकता है, इसलिए सेवा वहाँ करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। ग्रामों में भी बहुत बड़ी आवश्यकता है, बहुत ऐसे ग्राम है जहाँ सरकार के बिल्कुल सेवा बस्ती वाले लोग रहते हैं, दुर्बल वंचित पीड़ित समाज के लोग रहते हैं, वहाँ भी उनको संस्कार की जरूरत है। करने वाले लोग, पत्थर तोड़ने वाले लोग भी हैं, बीच बीच में स्थान स्थान लोग रहते हैं, वहां से संबंधित काम करने वाले लोग भी हैं, उनके बीच में काम करने की आवश्यकता है। इसी प्रकार से एक बहुत बड़ा समाज है, वृक्षाओं का प्रयोगशाली भारत बनाना है, स्वावलंबी भारत बने, रोजगार से जुड़ना चाहिए तो सारे अपने समाज को। और मैं प्रांत सचिव सेवा भारती गोरक्ष प्रांत प्रोफेसर आलोक श्रीवास्तव, ये बैठक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सेवा भारती विभाग, सेवा विभाग में सेवा भारती गोरक्ष प्रांत की बैठक है। इस बैठक में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो सेवा का कार्य करती है, आगे हम उस सेवा कार्य के उद्देश्य और ऑब्जेक्टिव पे यहाँ चर्चा करने के लिए हमारे पूरे प्रांत गोरक्ष प्रांत जिसमें 21 जिले हैं संघ की दृष्टि से, वो सभी लोग यहाँ एकत्र हुए हैं। इस का आयोजन इसलिए किया गया है कि संघ का जो राष्ट्रीय स्वयं संघ का निर्माण हुआ था 1925 में हुआ था और 2025 में 100 साल पूरे होने जा रहे हैं, तो उस 100 साल पूरे होने पे हमारे सेवा के कार्य गोरक्ष प्रांत में हमको 1000 सेवा केंद्र खोलने का लक्ष्य निर्धारित हम लोग कर रहे हैं कि सेवा केंद्र खोलेंगे। यहाँ वैसे तो सेवा के काम राष्ट्रीय संघ और सेवा भारती द्वारा किए जा रहे हैं, लेकिन उसको और गतिमान बनाना और अच्छे से करना, उस उद्देश्य पे चर्चा हुई है। यहाँ सेवा भारती की एक पत्रिका सेवा जागृति का विमोचन भी हुआ है। इस पत्रिका का उद्देश्य कि समाज में लोगों के पास ये पत्रिका पहुँचे और सेवा भारती क्या काम कर रही है, कितने प्रकल्प हैं, कैसे हम लोग का कार्य होता है समाज के लिए, कैसे समाज का उत्थान हो रहा है, उसके बारे में इस पत्रिका में लिखा हुआ है, जिससे लोग प्रेरित हो और सेवा का कार्य कर सके। यहाँ पे आज श्रीमान नवल जी क्षेत्र सेवा प्रमुख पूर्वी उत्तर प्रदेश उद्बोधन दे रहे हैं और सभी प्रांत 21 जिले से पूरे प्रांत के सभी सदस्यों का मार्गदर्शन कर रहे हैं, जिसकी अध्यक्षता श्री विष्णु गोयल जी कर रहे हैं जो हमारे प्रांत के उपाध्यक्ष हैं। हमारे अतुल सर्राफ जी आज जो प्रांत के अध्यक्ष हैं वह आ नहीं सके, किसी दुर्घटना उनके परिवार में हो गई है। बाकी कार्य हम लोगों का काफ़ी अच्छा चल रहा है। यहाँ नानाजी देशमुख एक प्रकल्प है जो सेवा भारती का, वो बहुत यशस्वी प्रकल्प चल रहा है, उसमें हम लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं। आज तक करीब करीब 50 लोग ट्रेनिंग प्राप्त कर चुके हैं, जो खुद स्वावलंबन का काम कर रहे हैं, अपने अपने केंद्र खोल के अपने अपने जीविका का यापन कर रहे हैं।